देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। जिस प्रकार से डेली वेजर लगातार सड़कों के ऊपर है, 132 दिन हो गए उनको, सरकार से एक मांग करते हैं कि SRO 64 के तहत उनको रेगुलराइज पॉलिसी जो है उनके लिए बनाई जाए और उनको पक्का किया जाए। और उसके अलावा 75 महीने की सैलरी जो है उनकी, जो सरकार के द्वारा नहीं दी गई, जो उनकी मेहनत, जिसकी उन्होंने मेहनत की है, वो हक उनको अभी तक नहीं दिया गया। वो जल्द से जल्द 75 महीने की सैलरी जो है वो उनको जल्दी से जल्दी दी जाए। हम लगातार इनके समर्थन में हैं। अभी दो दिन पहले हमने मेमोरेंडम जो है वो डिपकॉम साहब को दिया है। जम्मू प्रोविंस के अंदर सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो डिपकॉम है। उनको हम पहले ही चिता चुके हैं, मेमोरेंडम देने के साथ हम चेतावनी भी दे चुके हैं और हम आज सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं और एक वार्निंग प्रोटेस्ट जो है वो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इन डेली वेजरों को SRO 64 के तहत पक्का करने का काम करे और उनकी सैलरी देने का काम करे। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से ये दिवाली डेली वेजरों की बनी है, सभी रोए हैं और वो इस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रो रहे थे। उनकी जेबें खाली थी, उनकी थालियां, उनके दिए खाली थे, कुछ नहीं था उनके पास, उनके बच्चे रो रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक काली दिवाली जो है वो इस बार दिवाली के दिन निकाले हैं। तो सरकार को चाहिए था, सरकार बड़े बड़े विकास के दावे कर रही है, वो विकास कौन देखेगा जब ये लोग ही नहीं रहेंगे। अरे पहले उन लोगों के पेट पालने का काम कीजिए, उन लोगों का मेहनत का, उनके हक का पैसा देने का काम कीजिए। सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन डेली वेजरों को 64 के तहत रिगुलाइज करने का काम जो है वो करें और जल्द से जल्द इनकी 75 महीने की सैलरी देने का काम करें। ये आज हम वार्निंग देने सरकार को आए हैं। अभी 5 तारीख को फिर हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन जो है वो सेक्रेटरी के पास होगा और सरकार को चेतावनी देते हैं। और इससे पहले जब एक कमेटी बनाने की बात जो है वो डिपकॉम साहब ने कही थी, लेकिन कहां वो कमेटी? 7-8 दिन होने के बावजूद भी अभी तक उस कमेटी का कोई पता नहीं। मैं एक भाजपा की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन जो है वो पूर्व पीएचई मंत्री श्यामलाल शर्मा जी को बनाया गया। श्यामलाल शर्मा जी वो पीएचई के बारे में और इन डेली वेजरों के बारे में ज्यादातर जानते हैं और समझते हैं इनको, और इनका दुख भी समझते हैं। और मैं उनसे ये भी अपील करना चाहता हूँ कि वो इसको केवल कमेटी बनाकर ना छोड़ दें, उनका जो डेली वेजर है उनका हक दिलवाने का काम करें।